This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, M 29 September to around 20 की calls का review कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको 30 September के लिए calls बता दूँगा. जैसे कि मैंने आपको Axis Bank दिया था, Axis Bank को मैंने buy करने के लिए बोला था आपको, but उसमें हमारा isolate हो गया था. फोर फोटी वन पर मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था तो उसमें हमारा ऐसे लेट हो गया था ये फोर फोर्टी टू तक ही गया था फोर फोर्टी थ्री का हमारा पहला टारगेट प्राइस था इसीलिए गैप अप ओपन हुआ था गैप अप ओपन होने के बाद ये रिकवर करने के बाद दोबारा ऊपर बढ़ा था जैसा कि मैंने कंडीशन बताई है इसने पूरी फॉलो की थी तो आपने अगर बाय किया हो तो इसमें पाई साइड का ऐसे लेट हुआ शॉर्ट सेलिंग साइड के हमारे तीनों टारगेट प्राइस इजिली अचीव हो गए थे गोदरेज सी पी में हमारा शॉर्ट सेलिंग साइड का एक ही टारगेट प्राइस अचीव हो पाया इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी वही हमारी बाइंग प्राइस थी तो आप इसे बाय नहीं कर पाए होंगे अगर आप कर पाए होंगे तो आपको ईज़िली सारे टारगेट अचीव हो गए बट बहुत सारी कंडीशनस होती हैं उसके लिए तो मैंने उसे नहीं गिना है बट शॉर्ट सेलिंग प्राइस का एक शॉर्ट सेलिंग साइट का एक टारगेट प्राइस अचीव हुआ था बाकी ये जो जो स्टॉक्स थे मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रहे थे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना बहुत जरूरी है डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए देखिए सन टी और पॉलीमेंट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया था दोनों में बाई साइड के दोनों टारगेट प्राइस अचीव हो गए मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ देखिए जैसे ये मैंने सन टीवी का चार्ट आपके लिए खोल के रख दिया ये एक मिनट का मैंने चार्ट रखा है वैसे मैं आपको बोलता हूँ टाइम फ्री हम आपको फाइव मिनट का रखना है बट मैंने इसे एक मिनट का रखा है आपको क्लियरली दिखाने के लिए जैसे मैं कंडीशन फुलफिल कैसे होगी देखिए अगर मैं आपको बोलता हूँ गैप फिल होगा जैसे कि टेन एम के अंदर गैप फिल होगा अपने न्यूवर्स को भी बता दो एक बार कि अगर स्टॉक गैप ऑफ ओपन होता है जैसे कि ये गैप ऑफ ओपन हुआ तो टेन एम के अंदर अंदर उसका गैप फिल होना चाहिए गैप फिल कैसे होगा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पर ये एक मिनट का होल्ड ले उसके बाद बढ़ना शुरू करें और आप उसे बाय कर लें जैसे कि मैंने आपको इसे बाय करने के लिए बोला था फोर हंड्रेड सिक्सटी सेवन पे तो देखिए यहाँ पे ये आया फोर हंड्रेड सिक्सटी एट तक यहाँ पे इसका गैप फिल नहीं हुआ था बट ये नौ बजे के टाइम पर था एक्जैक्ट दस बजे के टाइम पे ये आ गया था फोर हंड्रेड सिक्सटी फाइव के अप्रॉक्स और हमें बाय करना था फोर हंड्रेड सिक्सटी सेवन पर तो एक मिनट का देखिए इसने जो एक मिनट का होल्ड था वो यहाँ पर लिया था एक नहीं इसने काफ़ी मिनट तीन चार मिनट का होल्ड लिया था नीचे उसके बाद बाइक बाइक का इसका लेवल ब्रेकआउट हुआ बाइ का लेवल ब्रेकआउट होकर इसने देखिए अपना हाई बनाया है लगभग लगभग सेवन uh, मैं आपको फाइव मिनट का टाइम फ्रेम करके दिखाता हूँ तो इसमें uh, इसने अपना हाई बनाया है फोर सेवनटी फोर का और हमारा लास्ट जो टारगेट प्राइस था इसका वो भी फोर सेवनटी फोर का था ये आपको कहाँ पता चलेगा टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए मॉर्निंग में मैंने ये कॉल प्रोवाइड करी थी तो सन टी में हमारा बाई साइड के तीनों टारगेट प्राइस और पॉलीमेंट में हमारे बाई साइड के, uh, के दो टारगेट प्राइस अब आपको समझ आ गया होगा कि गैप फिल कैसे होगा टेन uh, एम के अंदर अंदर बाई साइड के बाइंग का जो लेवल है और शॉर्ट सेलिंग का जो लेवल है उसके बीच में कहीं पे वो एक मिनट का होल्ड लेने के बाद दोबारा बढ़ता है गैप ऑफ ओपन होने के बाद तो आप उसे बाय कर सकते हैं चलिए थर्टी सेप्टेम्बर टू ट्वेंटी की कॉल जिंदल पॉली की अगर मैं बात करूं आपके लिए तो जिंदल पॉली आप बाय करके चलेंगे 445 पे फाइव जब लेवल ब्रेकआउट होगा शॉर्ट सेलिंग सॉरी स्टॉप लॉस रहेगा आपका 441 का टारगेट प्राइस जाएगा 447, 452 और 457 फिफ्टी वन का शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगा आपका 440 का टारगेट प्राइस रहेगा इसका 438, 432 और 428 का वहीं से स्टॉप लॉस रहेगा आपका शॉर्ट सेलिंग साइड का फोर का याद ध्यान रखेंगे बाई साइड का लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा फोर फाइव पॉइंट वन जीरो जब हो जाएगी इसकी बाँ बाँ जो प्राइस है स्टॉक की प्राइस तब आप इसे बाय कर लेंगे और शॉर्ट सेलिंग की साइड फोर थर्टी नाइन पॉइंट नाइन जीरो जब हो जाएगी तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे ये लेवल जो है इनको ब्रेकआउट होने देंगे अगला स्टॉक है आपके लिए सिप्ला जिसे आप बाय करके चलेंगे सेवन सिक्सटी थ्री पे जैसे कि मैंने बताया लेवल ब्रेकआउट होगा इसका भी स्टॉप लॉस रहेगा सेवन फिफ्टी नाइन का टारगेट रहेगा सेवन सिक्सटी फाइव सेवन सेवनटी सेवन सेवनटी सिक्स का ध्यान रखेंगे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको पहली बार में टारगेट अचीव होता है तो दूसरी बार आप कॉल नहीं लेंगे बट पहली बार में स्टॉप लॉस हिट होता है तो दूसरी बार आप कॉल ले सकते हैं गैप अपने उनके पास टेन ए एम तक आप वेट करेंगे एक्जैक्ट टेन एम के बाद आप छोड़ देंगे अगर गैप फिल नहीं होता है गैप फिल कैसे होगा बाइंग प्राइस और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पर वो एक मिनट का होल्ड लेगा स्टॉक जो है वो एक मिनट का होल्ड लेगा उसके बाद अगर बढ़ना शुरू करेगा तो आप उसे गैप फिल मानेंगे और बाय कर सकते हैं गैप अप के लिए ये बाय साइड के लिए कंडीशन है गैप डाउन के लिए शॉर्ट सेलिंग साइड के लिए ये कंडीशन है बाकी कोई कंडीशन नहीं है और हाँ हमारा जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने बताया मैं एक्स्ट्रा कॉल भी प्रोवाइड करता हूँ इसकी जगह तो मैं आपको आज की भी कॉल्स प्रोवाइड कर दूँगा जो आप चेक कर सकते हैं जाके और मैं आपको अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते तो आप ज्वाइन होकर नेक्स्ट डे की कॉल मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूँगा तो शॉर्ट सेलिंग प्राइस है इसका सेवन फिफ्टी एट का टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा सेवन सिक्सटी टू टारगेट रहेगा आपका सेवन फिफ्टी सिक्स सेवन फिफ्टी और सेवन फोर्टी फाइव का डिस्प्ले में आपको हमारा वाट्सए नंबर दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना बहुत जरूरी है वह ध्यान रखिएगा मॉर्निंग में मैं टेलीग्राम चैनल पर कॉल प्रोवाइड करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद